हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। गणेश जी की कृपा से आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और मैं आज एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जो गणेश जी की है, वो खीर खाने का जो जिद कर रहे थे उनके बारे में है। तो आइए हम सुनाते हैं खीर खाने की कथा। आइए कथा सुनते हैं। एक बार भगवान गणेश जी बाल रूप में चुटकी भर चावल और एक चम्मच दूध लेकर पृथ्वी लोक में निकले। वे सबको अपनी खीर बनाने को कहते जा रहे थे, पर सबने उनकी बात को अनदेखा किया। इसी दौरान एक गरीब बुढ़िया ने उनकी खीर बनाना स्वीकार कर लिया। एक भगोने चूल्हे पर चढ़ा दिया। इस पर गणेश जी ने घर का सबसे बड़ा बर्तन चूल्हे पर चढ़ाने को कहा। बुढ़िया ने बाल लीला समझते हुए घर का बड़ा भगोना उस पर चढ़ा दिया। कुछ देर में ही एक चमत्कार हुआ। चमत्कार ऐसा था जो गणेश जी के दिए हुए चावल और दूध बढ़ गए और पूरा भगोना उससे भर गया। इसी बीच गणेश जी ने नहाने के बाद खीर खाने की बात कहते हुए वहाँ से चले गए। पीछे बुढ़िया के पोते पोती आए तो भूख लगने पर बुढ़िया ने उसे भी खीर दी खिला दी। और खीर बनते देख पड़ोसन ने भी अपने कटोरा बढ़ा दिए तो उनको भी देना पड़ा। और बेटे की बहू जो थी वो भी चुपके से यह देख राजा ने वह बर्तन वापस बुढ़िया को दे दिया। उसके घर ले जाते ही वापस पहले जैसा हो गया। इसके बाद बुढ़िया ने फिर गणेश जी से बची हुई खीर के उपयोग के बारे में पूछा तो उन्होंने झोपड़ी के कोने में गाड़ देने को कहा। ऐसा कर बुढ़िया रात को सो गई और गणेश जी उसकी झोपड़ी को लात मारते हुए अगले दिन जब बुढ़िया उठी तो उसे अपनी झोपड़ी महल में बदलती हुई और खीर के बर्तन सोने जवाहरात से भरे मिले। गणेश जी की कृपा जानकर बुढ़िया काफ़ी प्रसन्न हुई।